नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। आइए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। टेलीग्राम की तरह अब व्हाट्सएप पर भी चैनल। 4 एयरपोर्ट पर फुल बॉडी स्कैनर लगेंगे, मंजूरी मिली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में एलिफेंट कॉरिडोर की संख्या बढ़कर 150 हो गई है। कश्मीर में 3 साल का सबसे बड़ा हमला, कर्नल मेजर DSP शहीद। पीएम मोदी नए संसद भवन पर 17 सितंबर को झंडारोहण करेंगे। दतिया में राजीनामा से पहले दो पक्षों में अंधाधुंध फायरिंग, 5 की मौत, गांव बना छावनी। पाकिस्तान में राष्ट्रपति अलवी ने चुनाव आयोग से कहा कि 6 नवंबर को चुनाव हो। मास्को में पुतिन के साथ सैन्य सहयोग पर चर्चा, किम बोले जंग में जीतेगा रूस। नेपाल में पंचदान पर्व, ये 700 साल पुराना है। लीबिया में डैम फटने के बाद सैलाब से अब तक 5300 की मौत, 30,000 विस्थापित। डेनमार्क में 206 यात्रियों को ले जा रहा क्रूज आर्कटिक सागर में फंसा, मदद का इंतजार। मणिपुर में असम राइफल्स के खिलाफ असहयोग आंदोलन, जवानों को हटाए जाने की मांग पर मेतेई महिलाओं ने केंद्रीय संस्थानों पर ताले जड़े। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ममता से पूछा, क्या इंडिया का नेतृत्व करेंगी? बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।